हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ। और गाइस, आज हम बात करेंगे लास्ट वीक के पूरे करंट अफेयर्स के रिवीजन का। आज हिंदी में भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी में डिमांड कर रहे थे। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। लेकिन उससे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए, जितना आप कर सके उतना शेयर करिए, ताकि सारे बच्चों को ये न्यूज़ मिले कि हिंदी में भी हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं अपना सेशन। और आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्च पे। और अगर आप मेरे बारे में जानते हैं तो ये आपके सामने मेरा स्केड्यूल है। 10 AM पे आज मैं कराने वाला हूं स्टैटिक अवेयरनेस। रेलवे, SSC, बैंकिंग हर बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सेशन आप जरूर ज्वाइन करिए, 10 AM वाला सेशन बहुत जरूरी है, ठीक है? चलिए, तो गाइस, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ा भी रहा हूं और आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे फॉलो करने से आपको मेरे सारे कंटेंट, सारे वीडियो, इवन मेरे पेड बैचेस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है? और अगर बात करें तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, मेरी करंट अफेयर्स का MCQ फॉर्म में बैच चल रहा है, जिसकी टाइमिंग है 3 से 4 PM और क्लासेस डेली होती हैं। और ये क्लासेस आपके एग्जाम के लिए रखी गई हैं, जहां पर हम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सब कुछ कवर करेंगे, मंथ बाय मंथ करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे, मिक्स बैक करेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने देखिए, अगर आपको ये कोर्स लेना है तो SSC रेलवे वाले भी ले सकते हैं, लेकिन आपको गोल ऑप्शन में बैंक चूज करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये सबके लिए है, पूरे MCQ फॉर्म में करंट अफेयर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। और केवल स्पेशली अगर हम बैंकिंग फाइनेंस की बात करें, फॉर एग्जांपल RBI की वैकेंसी अभी आने वाली है और हर एग्जाम के लिए काफी जरूरी है, तो आप ये भी मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा पेड बैच है और इसकी टाइमिंग है 1 to 2 PM डेली। तो यहां पर हम क्लास करते हैं बैंकिंग की, उसके पहले हम करंट अफेयर्स की। तो अगर आप एक बार हमारा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो आपको दोनों क्लासेस मिलेंगे, ठीक है? चलिए, तो गाइस, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। आप देखिए, हमारे स्टूडियो वॉल्ट से दो लोग हैं, निमिषा मैम और मैं। तो आप लोग को मुझे हमें फॉलो करना चाहिए, हमारे यूट्यूब लेक्चर्स एज वेल एज हमारे प्लस प्लेटफॉर्म लेक्चर्स, ठीक है गाइस? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना गोल सिलेक्ट करना होगा गाइस। गोल का मतलब है कि आपके ऑब्जेक्टिव, आप कौन सा एग्जाम करने आ रहे हो। मान लीजिए आप बैंक का एग्जाम करने आ रहे हो, आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज कैट, रेलवे, SSC सब कुछ हमारे पास है, इवन UPSC भी। चलिए, तो आपने अपना गोल सेलेक्ट किया तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। आपके सामने 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month तक का हमारा जो कोर्स है वो आप ले सकते हो, ठीक? जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12 मंथ पे क्लिक किया, तो यानी कि 12 महीने के लिए, मतलब कि एक साल के लिए अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म आपके लिए पूरा ओपन है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे 1 month और 3 month का कोर्स लेते हैं, हमारे पास पूरा डेटा आ जाता है, ठीक? तो बस आपको मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा यार, कि 1 month में या 3 month में आपके कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर महीने नए कोर्स आते हैं। तो आप क्या हर महीने एडमिशन लोगे? आपको एक 6 month या 12 month का कोर्स लेना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर पूरा कोर्स मिले, ठीक है? और अगर आप 12 मंथ पे क्लिक करके यहां पर देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। फीस है 5000 और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको यहां पर AM Live, ये मेरा कोड है, AM Live अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करते ही आपकी फीस 4500 हो जाएगी। तो गाइस, इस फीस की मैं बात करूं, 4500 जो कि एक साल की पड़ रही, ये किसी एक एजुकेटर के लिए नहीं है, किसी 2, 3, 4 एजुकेटर के लिए नहीं। अगर आप एक साल का कोर्स लेते हो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर, तो एक साल के लिए सारे जितने एजुकेटर्स हैं, आप अगर बैंकिंग की बात करो, मोर देन 60 एजुकेटर्स, तो सारे एजुकेटर्स की प्रोफाइल आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। क्वांट के 10 मोर देन 10 फैकल्टी, रीजनिंग के मोर देन 10 एजुकेटर्स, इंग्लिश के मोर देन 10 एजुकेटर्स, GA के मोर देन 10 एजुकेटर्स, सबके प्रोफाइल आपके सामने, उनके कंटेंट, उनके PDF, उनके फ्री लेसन्स, उनके स्पेशल क्लासेस और उनके पेड बैचेस, सब कुछ आपके साथ, और इवन आपका पर्सनल इंटरेक्शन। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, इतना कंटेंट आपको मिल रहा है एक बार फीस पे करने में। तो देर मत करिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी जनवरी तक एग्जाम्स लगे हैं आपके, उसके बाद फिर से एग्जाम्स होंगे, तो देर मत करिए, अपनी तैयारियों को पूरा एक कहते हैं ना कि एक, एक, एक रिदम में बनाइए। और वो आप कैसे कर सकते हैं, ढेर सारे एजुकेटर से पढ़ाई करके, और टाइम का भी फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई सुबह पढ़ा रहा है, कोई रात में पढ़ा रहा है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो गाइस। और ये हमारा क्या है, ये हमारा डेस्कटॉप वर्जन, मतलब इस तरह आपको दिखेगा। AM Live कोड आपको भूलना नहीं है, आपकी फीस कम होकर 4500 हो जाती है गाइस। हमारे पास 2 साल का मॉडल भी है 8000 का, ये उन सारे बच्चों के लिए है जो कि मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी रिसेंटली, या आप हाउसवाइफ है, या फिर आप जॉब करते हैं, आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ये कोर्स बड़ा कन्वीनियंट और बड़ा चीप है आपके लिए, इसे आपको लेना चाहिए 8000 का, जो कि अगर आप ये AM Live कोड डालते हैं तो आपके लिए 7200 का हो जाता है।
चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आज का अपना सेशन है वीकली रिवीजन। यहां पर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, यहां पर केवल और केवल आपने लास्ट वीक क्या पढ़ा है, क्या आपका आपको याद है, उसका एक रिवीजन है। फटाफट आंसर करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बट उसके पहले मोटिवेशनल कोट की बात करेंगे। तो हमारा मोटिवेशनल कोट आज का क्या, डिफिकल्ट रोड ऑलवेज लीड टू ब्यूटिफुल डेस्टिनेशंस। तो कहने का मतलब कि सोचिए जरा कि जब हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हम जब अपना ये जो न्यूज है अपने घर वालों को देंगे, अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा हम रोमांचित भी होंगे कि यार अब तो बढ़िया है, जॉब लग गई, अब पैसे की टेंशन खत्म, अनसर्टेनिटी की टेंशन खत्म, स्टेबिलिटी लाइफ में आ गई, कितना अच्छा लगेगा उसमें। आपकी आपकी जो मेहनत है वो आपकी सफल हुई। अब वो फीलिंग जो है वो फीलिंग आसानी से नहीं मिलेगी। वो फीलिंग को पाने के लिए आपको टफ रास्तों पर गुजरना पड़ेगा, आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे। त्याग का मतलब आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, समझिए मेरी बात। अगर टफ चीजें इजीली मिल जाती है ना, उसका मजा नहीं आता। तो मजा आएगा सिलेक्शन लेना आपको, लेकिन उसके लिए बेटा आपको अपने आप को और हार्ड बनाना पड़ेगा, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो आपने प्रीवियस डेज में गलतियां की हैं वो आपको नहीं करनी, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ चलना है, अच्छे लोगों से मिलना है, बात करना है, खुद को अच्छा इंसान बनाना है, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। तो कहा गया है कि जो टफ रास्ते होते हैं, टफ रोड होते हैं, वो आपको भी अच्छा, मतलब आपके भी पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, और जो वो फीलिंग्स है ना, जब आप वो सिलेक्शन पाओगे ना तो वो ऑसम होने वाली। थैंक यू सो मच गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और आपको उसका आंसर भी देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अकीली पोहिया पास्ड अवे, वॉन द फॉर्मर पीएम ऑफ द विच कंट्री, और आंसर आपको देना है, व्हाट इज योर आंसर गाइस। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अरे
अरे देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम, मैं मोबाइल नहीं चला रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट। आंसर इज टोंगैन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर टू, हु वॉज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ होदे दाह मिशन। होदे दिहा मिशन का मतलब यहां पर क्या है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द होदे दिहा मिशन। होदे दाह मिशन के प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया। वी हैव फोर ऑप्शन गाइज, व्हाट इज योर आंसर। एंड द राइट आंसर इज अभिजीत गुहा, ऑप्शन नंबर सी, अभिजीत गुहा इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रेनिंग ऑफ एनबीएफसीज। तो मैंने आपको यह पढ़ाया था, आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर हुआ देख लीजिए। आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। हम यहां पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की, जल्दी जल्दी सब लोग आइए कमेंट करिए और इसका आंसर क्या होगा। एफआईडीसी, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है, इन विच एक्सोप्लैनेट एस्ट्रोनॉमर्स फाउंड वाटर ऑन अ पोटेंशियल हैबिटेट एक्सोप्लैनेट रिसेंटली। तो हाल ही में किस एक्सोप्लैनेट में खगोलविदों ने संभावित निवास स्थान एक्सोप्लैनेट पर पानी पाया। वी हैव फोर ऑप्शन, व्हाट इज योर आंसर गाइस। And the answer is, K2-18b. K2-18b, option number D is right answer. Option number D is right answer. Okay, let's proceed. Next question, question number 5 आपके सामने, देखिए। तो recently, which country has flagged off Make in India train? इसका नाम है पुलथिसी Express. तो ये भी आपको पढ़ाया गया, कोई नया question नहीं है। Answer आपको देना है, क्या इसका answer है देख लीजिए। और मेरे हिसाब से सारे बच्चे इसका सही आंसर देंगे, बिकॉज आंसर इज वेरी सिंपल। देखिए जिसको भी पीडीएफ चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे वीडियो के लिंक, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएंगे। पीडीएफ यहां भी मिल जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एक घंटे की बात होती है। एंड द राइट आंसर इज श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज फर्स्ट इन एशिया टू रोल आउट प्लेन सिगरेट पैकेजिंग। तो सादे सिगरेट पैकेजिंग को रोल करने वाला, मतलब लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है। पहला देश मतलब कि ये सिगरेट के डिब्बे में कोई किसी कंपनी की ब्रांडिंग नहीं होगी, बिल्कुल प्लेन डिब्बा। एंड द राइट आंसर इज थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली डीआरडीओ हैंडेड ओवर विच एयरबॉर्न वार्निंग प्लेन टू इंडियन एयरफोर्स। तो हाल ही में डीआरडीओ ने किस एयरबॉर्न वार्निंग प्लेन को भारतीय वायुसेना को सौंपा। वी हैव फोर ऑप्शन अगेन, आपको मैंने पढ़ाया ये। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा नेत्र, ऑप्शन नंबर बी, नेत्र इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल ऑर्गेनाइज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड रेडिकलाइजेशन इन जेल्स, vulnerability of inmates and jail staff and their protection in which city or UT. तो हाल ही में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जो कि आपराधिक गतिविधियों और जेलों में कट्टरता, इन कैदियों और जेल स्टाफ की संवेदनशीलता और उनके संरक्षण पर किस शहर में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, एंड राइट आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Which state government has recently launched two insurance scheme, मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा एंड मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना फॉर रजिस्टर्ड स्मॉल एंड मीडियम ट्रेडर्स। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम कर रहे हैं। एंड गाइज आंसर इज हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हरियाणा इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। Which country has joined the global एंटी माइक्रोबियल
रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब एज अ न्यू मेंबर। तो किस देश ने ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब में एक नए मेंबर के रूप में शामिल हुआ है? वी हैव फोर ऑप्शंस, व्हाट इज योर आंसर? एंड द आंसर इज इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, इंडिया इज राइट आंसर। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 11। Recently, India hosted the first conference on military medicine for member nations of the Shanghai Cooperation Organization in which city obliquity? तो हाल ही में भारत ने किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में शंघाई सहयोग संगठन के मेंबर के रूप में सैन्य चिकित्सा पर पहला सम्मेलन आयोजित किया? आपको यह मैंने पढ़ाया, आंसर क्या होगा इसका? एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। How many satellites did China launch for disaster management and climate monitoring? तो आपदा प्रबंधन और जलवायु निगरानी के लिए चाइना ने अभी कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? 3, 4, 5, 6। आपका आंसर क्या होगा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। एंड द आंसर इज 3। 3 सैटेलाइट लॉन्च किए चाइना ने, ठीक है, ये सब नई न्यूज है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो विच इंडियन पुलिस ऑफिसर हैज बीन चूजन फॉर द 2019 एशिया सोसाइटी गेम चेंजर अवार्ड? तो एशिया सोसाइटी गेम चेंजर पुरस्कार के लिए किस भारतीय पुलिस अधिकारी को चुना गया है? वी हैव फोर ऑप्शन। ये वही ऑफिसर है जिन्होंने निर्भया केस पर इन्वेस्टिगेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, व्हाट इज योर आंसर गाइस? And the right answer is Chhaya Sharma, option number B. Chhaya Sharma is right answer. Okay, let's move to next question. Which country has won the best video award for the Asia and Pacific region in the United Nations World Tourism Organization Video Competition 2019? Kis desh ne ye award jeeta hai? एंड राइट आंसर इज इंडिया। बेसिकली ये जो वीडियो था ये योगा पर था, योगासन जो है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। जन सूचना पोर्टल 2019 वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? बेसिकली आरटीआई की तरह काम करेगा ये जन सूचना पोर्टल। किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? वी हैव फोर ऑप्शन एंड द आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। वर्ल्ड बैंक सैंक्शन दिस अमाउंट फॉर फूड पार्क अक्रॉस इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक इतना अमाउंट दे रहा है फॉर फूड पार्क्स अक्रॉस इंडिया, मतलब फूड पार्क्स बनाने के लिए। वी हैव फोर ऑप्शन, आंसर गाइस। हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं एंड द राइट आंसर इज 3000 करोड़, 3000 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। नेम द इंडियन ऑफिसर हु वॉज अपॉइंटेड बाई यूएन टू लीड द मिशन इन यमन। तो उस भारतीय अधिकारी का नाम बताएं जिसे यूएन ने यमन में मिशन का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है। एंड द आंसर इज अभिजीत गुहा, ऑप्शन नंबर सी, अभिजीत गुहा इज राइट आंसर। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Google to pay $1 billion for settlement over tax evasion in which country? तो Google इस देश में कर चोरी के निपटान के लिए $1 billion का भुगतान करने के लिए रेडी हो गया है। बेसिकली ये काफी बड़ा अमाउंट है, 1 billion से थोड़ा सा कम है, लेकिन 1 billion हम बोल सकते हैं इसे। क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? एंड द आंसर इज फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रांस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अभिजीत सर अभिजीत गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर अवॉर्डेड विथ विजिटर्स अवार्ड 2019 अंडर द कैटेगरी रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंसेज? मैंने आपको विजिटर्स अवार्ड दो बार पढ़ाया और दोनों बार मैंने कैटेगरी वाइज आपको बताया है कि किस कैटेगरी में किस प्रोफेसर को अवार्ड मिला। तो मैंने आज आपसे रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंसेज पूछा हुआ है। चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर अगर आपको पता हो तो? मुझे लगता नहीं कि आपको याद होगा ये सब। एंड द आंसर इज प्रतिमा एंड असदुल्ला खान, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए कुछ लोग को याद है वैसे, कुछ लोग को याद है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच कंट्री हैज टॉप्ड एज द वर्ल्ड टॉप ऑयल एक्सपोर्टर, तो किस देश ने दुनिया के शीर्ष तेल निर्यातक के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़कर, यह देश कौन सा है? एंड द आंसर इज यूएस, ऑप्शन नंबर ए. US is right answer. Option number A is right answer. Okay. Let's move to question number 21. Who has been appointed as the chairman of the England and Wales Cricket Board Cricket Committee recently? तो हाल ही में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? We have four option again. And what is your answer? And the answer is एंड्रू स्ट्रस, ऑप्शन नंबर सी. अभी कुछ दिन पहले इनको एक नाइटहुड का अवार्ड भी मिला है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. भेल कमीशन 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो भेल ने इस राज्य में 1320 मेगावाट का थर्मल प्लांट शुरू किया है, वो राज्य कौन सा है वो आपको बताना है. केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा. वी हैव फोर ऑप्शन. And the right answer is Odisha, option number D. Odisha is right answer. So let's move to question number 23. Who conferred with UAE order of Jayat second medal? Dusra, second category medal. Aapko maine ye padhaya, isme second nahi hai. To confuse mat hoiyega, hum Modi ji wala award ki baat nahi kar rahe hain. Thik hai? Iska answer kya hoga? Wahan ke jo ambassador hai, Navdeep Suri, option number C is right answer. Navdeep Suri is right answer. Okay, let's move to question number 24. Which country won the Exceptional Stories of Sustainable Tourism Award? देखो अब दूसरे award की बात कर रहे हैं. Exceptional Stories of Sustainable Tourism Award at the UNWTO Tourism Video Competition 2019. India को जो award मिला वो हम पढ़ चुके हैं, अब हम इस award की बात करें. और ये किसे मिला? ये मिला चिली को. चिली, हाँ चिली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. चिली इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा. ठीक है, ओके. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम 79th कंट्री टू ज्वाइन इंडिया लीड इंटरनेशनल सोलर एलियंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए होगा. और इसका आंसर क्या होगा? And the right answer is Saint Vincent. Option number D is right answer. ठीक है, चलिए guys आगे बढ़ते हैं. Question number 26 की बात करते हैं. The UK government has announced how many year post study work visa for all international student. तो UK सरकार ने सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए कितने साल के लिए पढ़ाई के बाद के वीजा की घोषणा की है, कि मतलब पढ़ाई के बाद भी वो UK में रहकर जॉब वॉब तलाश सकते हैं. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 साल, 2 ईयर. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27. द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हैज रिकमेंडेड ट्राइबल एरिया स्टेटस फॉर लद्दाख अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रखता है. तो ये पॉलिटी पर बेसिक क्वेश्चन है. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 6th स्केड्यूल. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. Okay, let's move to question number 28. Which of the following group is a private partner in Indian Institute of Skills Mumbai? तो आपको पता है कि मुंबई में Indian Institute of Skill बन रहा है, दूसरा बने कानपुर बनेगा. ठीक, तो उसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया, तो उसमें कौन पार्टनर है? यह मैं आपको पढ़ा चुका हूं. इसका आंसर टाटा होना चाहिए, टाटा ग्रुप. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ONGC will invest over 13,000 crore for drilling more than 220 oil and gas wells in which of the following Indian state? तो ONGC भारत के किस राज्य में 220 से अधिक तेल और गैस के कुओं की ड्रिलिंग के लिए 13,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगा? वो स्टेट कौन सा है वो आपको बताना है. वी हैव फोर ऑप्शंस. एंड राइट आंसर इज आसाम, ऑप्शन नंबर डी. आसाम इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30. IDBI Bank will launch a co-branded credit card with which of the following company? तो हमको ये पता है कि IDBI Bank ने किसके साथ co-branded credit card launch किया है, और वो company है LIC Credit Card Services. Option number B is right answer. ठीक है, मैं कमेंट देख रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने देख लीजिए. Under the National Pension Scheme for the traders and the self-employed, a minimum assured pension of how much amount will be given to small traders after attaining the age of 60 years?
तो ये हमको मालूम है इसका आंसर क्या है, 3000। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेंजर्स ऑफ IRCTC दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस विल गेट फ्री विच अमाउंट ट्रेवल्ड रेल ट्रेवल इंश्योरेंस, तो हमको यह भी मालूम है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 25 लाख होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली MS महाबलेश्वरा हैज बीन इंडक्टेड टू द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन, ही इज द MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, मैंने आपको यह पढ़ाया है और इसका आंसर क्या होगा गाइस, इसका आंसर होगा कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। व्हाइट वाटर राफ्टिंग एक्सपेडिशन रुद्रशिला हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ एट विच प्लेस, मैंने आपको यह भी पढ़ाया था ना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 2019, अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड दिस कंट्री, तो आपको पता है मैत्री ये कहां पर होने वाला है, मैंने आपको यह भी पढ़ाया हुआ है, वैसे आंसर इज थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी, और ये मेघालय में होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द फ्रेजर इंस्टीट्यूट 2019 ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के 2019 वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, वी आर 4 ऑप्शन, इंडेक्स पर एक क्वेश्चन है, आंसर आपको सही देना है, एंड द आंसर इज 79, ऑप्शन नंबर है, इंडिया की रैंक 79 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2019 वॉज हिल्ड इन, तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया गया था, यह आपसे पूछा गया, वी आर 4 ऑप्शन, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 14, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू 38 क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिसेंटली ऑर्डर्ड ऑल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू पे देयर ओन इनकम टैक्स इंस्टीड ऑफ बीइंग पेड बाय द स्टेट ट्रेजरी, तो राज्य के खजानों से अब किसी मिनिस्टर का इनकम टैक्स पे नहीं किया जाएगा, उन्हें खुद अपना इनकम टैक्स पे करना होगा, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट किया है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT टू एग्जामिन इश्यूज रिलेटेड टू नॉन पर्सनल डेटा, आंसर, तो आपको बताना है, ये कमेटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कृष्ण गोपाल कृष्णन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40th की, द एक्सरसाइज हिम विजय 2019 इज स्केड्यूल टू बी हिल्ड इन विच स्टेट बाय द इंडियन आर्मी, तो भारतीय सेना द्वारा एक्सरसाइज हिम विजय किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, यह आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, वॉट इज योर आंसर गाइज, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम दो स्टेट में यह होगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 41, द इनॉगुरल इवेंट ऑफ 2019 इंटरनेशनल रामायणा फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच सिटी, तो 2019 अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को देना है, क्या इसका आंसर है देख लीजिए, एंड राइट आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ द हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, वी हैव 4 ऑप्शन, व्हाट इज योर आंसर, एंड द आंसर इज कपिल देव, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कपिल देव इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 43, विच इंडियन कंपनी हैज लॉन्च्ड द कंट्री फर्स्ट ब्रॉडबैंड सर्विसेज पर्टिकुलरली फॉर द मैरीटाइम सेक्टर्स, जस्ट फॉर मैरीटाइम सेक्टर्स, तो किस भारतीय कंपनी ने विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र के लिए देश की पहली ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है, वी हैव 4 ऑप्शंस, एंड द राइट आंसर इज नेल्को, ऑप्शन नंबर ए, नेल्को इज राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, B.N. Yugandhar was a famous bureaucrat who passed away recently. He was the father of which of these business leaders? अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ऑबिटरीज है
और इनका नाम क्या है, इनका नाम है सत्या नडेला। तो सत्या नडेला के फादर जो है उनका निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2019 बाई फ्रेशर इंस्टीट्यूट। अभी हम इंडिया की रैंक की बात कर रहे थे 79, तो इसमें टॉप किसने किया ये आपसे पूछा गया। एंड द राइट आंसर इज हांगकांग, ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 46। RBI has increased the bank exposure limit to a single NBFC to what percent of available eligible capital base? मतलब कि एक बैंक अगर किसी NBFC को पैसा देता है तो अपने कैपिटल बेस का वो कितना परसेंट दे सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले ये था 15%, इसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप द 2019 लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट इंडेक्स। तो किस राज्य ने अलग अलग राज्यों सूचकांक में 2019 लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स में टॉप किया है, वो आपसे पूछा गया, और इसका आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर इज गुजरात, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट टू प्रोवाइड पल्स एट सब्सिडाइज रेट टू राशन कार्ड होल्डर्स। आंसर गाइस, एंड द आंसर इज उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं 49th क्वेश्चन पे। हु अमंग दीस इज द हेड ऑफ द कमेटी फॉर्म बाय एनजीटी टू फॉर्मुलेट स्टेप्स रिक्वायर टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो क्या बोला गया कि भूजल के अनधिकृत निष्कर्षण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए एनजीटी द्वारा गठित समिति के हेड कौन होंगे, ये आपसे पूछा गया, और इसका आंसर क्या होगा। एंड राइट आंसर इज अखिल कुमार, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे हैज साइंड एन MOU विद विच अमंग द गिवन ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट ग्रीन इनिशिएटिव। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा CII, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 51। द रिस्क वेट ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड हैज बीन रिड्यूस बाय द RBI टू व्हाट परसेंट। अगर आप लोगों ने मेरे से बेसल नॉर्म्स पढ़ा है, अगर आपने मुझसे पढ़ा है बेसल नॉर्म्स, तो मैंने आपको बेसल नॉर्म्स में पढ़ाया था कि क्रेडिट कार्ड पर जो है वो 125% का रिस्क माना जाता है। आप अगर आपने पढ़ा तो यस कर दीजिएगा, ठीक। यही तो जलवा है अपने पेड बैच का, ठीक, जो कोई नहीं पढ़ाता वो हम पढ़ाते हैं। और अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे कम करके 100% कर दिया है। मैंने पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा है याद हो तो यस कर दीजिएगा, ठीक। तो अभी 125 से कम करके 100% कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, हाँ जी बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डॉटर फ्रॉम अ विशिंग ट्री। तो एक पुस्तक के बारे में बात हो रही है, इसके ऑथर कौन है यह आपसे पूछा गया, और इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर रहे हैं। जगदीप बहुत मार खाओगे, सुना सुना लग रहा है बेटा तुम्हें। एंड द आंसर इज सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 2019 इज स्केड्यूल्ड। तो आपको मैंने अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये कहां पर हो रहा है, तो ये मेघालय, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन डे ऑफ साउथ कोऑपरेशन ऑब्जर्व। ठीक, तो आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। एंड द राइट आंसर इज 12 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो 12 सितंबर इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 55 की। श्री विल्लू पुत्तूर पलकोवा विच हैज बीन ग्रांटेड द GI टैग इज अ पॉपुलर स्वीट फ्रॉम विच स्टेट। तो हमको ये पता है कि ये कौन से स्टेट का है, तो क्या इसका आंसर होगा। एंड द आंसर शुड बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तमिलनाडु इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020।
पढ़ाया गया आपको ये ना, ये वर्ल्ड की बात हो रही है, ग्लोबल लेवल की बात हो रही है। आंसर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और अगर इंडिया की बात करें तो आईआईटी रोपड़ एंड आईआईएससी। नेक्स्ट, डीआरडीओ रिसेंटली कंडक्टेड द थर्ड सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इट्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम फ्रॉम विच टेस्ट रेंज। तो यह भी आपको पढ़ाया गया, इसका भी आंसर क्या होगा? कुरनूल, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 58। इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। इसका इनॉग्रेशन किसने किया, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एंड द राइट आंसर इज झारखंड, एंड नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द 2019-20 लता मंगेशकर अवार्ड। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह अवार्ड देता है, लता मंगेशकर अवार्ड, और यह किसको मिला इस बार? यह मिला उषा खन्ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among these has been named to be inducted into the 2019 Asia Pacific Golf Hall of Fame? यह भी आपको पढ़ाया गया। हीरो मोटर कॉर्प के ये चेयरमैन एमडी सीईओ हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम पवन मुंजाल है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 61। The Ministry of Agriculture and Farmer Welfare has launched a mobile application named CSC Farm Machinery for the farmers. Watch, what does CHC stand for? तो देखिए, पढ़ाया तो गया ही है आपको, तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है। तो CSC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कस्टमर हायरिंग सर्विस सेंटर्स। तो कस्टमर हायरिंग सर्विस सेंटर CSC, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The central government sponsored National Animal Disease Control Program has been inaugurated by Prime Minister Modi in Mathura. What is the total outlay of the program? मतलब पूरा खर्च कितना होगा इस प्रोग्राम पर, यह भी आपको पढ़ाया गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 12,652 करोड़ रुपीज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 63। The Nationwide Swachhata Hi Seva 2019 campaign has been inaugurated by PM Modi from which of these cities? Swachhata Hi Seva campaign को पूरे देश में एक साथ लागू किया जाएगा, campaign लॉन्च किया गया, कहां से लॉन्च किया गया यह आपसे पूछा गया, और इसका आंसर क्या होगा? मथुरा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the revised target set by India to restore the degraded air land in the country by 2030? It is very very important question guys. अच्छे से पढ़िएगा, याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? And the right answer is 26 million hectare. Option number C is right answer. Next question. A committee has been formed by the center to look into the distribution of asset and liability of Jammu and Kashmir. तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है, तीन मेंबर की कमेटी थी। इस कमेटी को लीड कर रहे थे हमारे डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्रा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is the World Suicide Prevention Day held? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह भी मैंने पढ़ाया है आपको। इसका आंसर क्या होगा? सितंबर 10। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सिटी इन इंडिया हैज एमर्ज एज द टॉप पोटेंशियल मार्केट फॉर को लिविंग एज पर द 2019 एशिया पैसिफिक को लिविंग इंडेक्स बाई नाइट फ्रेंड। तो आपसे पूछा जा रहा है टॉप, तो यह कौन सा शहर था? और यह मुंबई था, पांचवी रैंक थी जहां तक मुझे याद है, पांचवी थी ना रैंक, मुझे पांचवी रैंक याद है मुंबई की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन हैज डिक्लेयर दैट द इकोनॉमिक सेंसस विल बी हेल्ड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ एवरी दिस ईयर। तो क्या बोला गया कि इकोनॉमिक सेंसस जो है वो हर साल इतने गैप पर, इतने साल के गैप पर किया जाएगा। एंड द राइट आंसर इज थ्री, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मुंबई है, दिल्ली तो 11वें रैंक पर है और बैंगलोर तो 19वें रैंक पर है यार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 2019 सरला पुरस्कार। ओडिशा गवर्नमेंट देती है सरला पुरस्कार, आपको पता है, और इसका आंसर क्या होगा? प्रदीप दास। ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप दास इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज टॉप्ड द नाइट फ्रैंक इंडिया 2019 पैसिफिक को लिविंग इंडेक्स। किस देश ने, कौन सा शहर टॉप पर है? तो ये आपको पता है, ये शायद बीजिंग है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बीजिंग इज राइट आंसर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है और आपको इसका आंसर देना है। सरला पुरस्कार इज द फॉर्मेस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ विच स्टेट? तो अभी हमने बात की, ओडिशा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट हिमालया डे 2019 इज ऑब्जर्व एनुअली? हिमालया डेट की बात करें तो ये मालूम है, थोड़ा आगे से क्वेश्चन आ गया है, 9 सितंबर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द 93rd ऑल इंडिया एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट टाइटल फॉर द ईयर 2019 इन चेन्नई? तो हमको ये पता है पंजाब नेशनल बैंक हारा और जीता कौन? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑप्शन नंबर 3। चेन्नई में यह इवेंट हुआ था, यह भी आपको लर्न करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। तो हु क्रिएटेड रिकॉर्ड इन द 2019 ग्रेट नॉर्थ रन इवेंट हेल्ड इन द यूके मेकिंग द फास्टेस्ट हाफ मैराथन रन एवर बाई अ वुमेन? केन्या से ये बिलोंग करती है, इनका नाम क्या है देख लीजिए, इनका नाम है ब्रिगिट कोसगेई, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2019 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 कार रेस? तो ये फॉर्मूला 1 इटली की हम बात कर रहे हैं, इसका आंसर आपको पता है क्या इसका आंसर है? आंसर इज चार्ल्स लैकलेर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 76। हु वॉन द 2019, तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है। 77 क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ओपन ओपन टेनिस चैंपियनशिप वॉज हेल्ड फ्रॉम अगस्त 26 टू सेप्टेंबर 8? तो अभी यूएस ओपन खत्म हुआ है, आपने मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेन्स डबल, वुमेन्स डबल, मिक्स डबल, जूनियर्स डबल सब पढ़ा हुआ है, एडिशन आपसे पूछा गया है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। एंड द आंसर इज 139, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट हु रिजाइन आफ्टर बीइंग ट्रांसफर्ड टू मेघालय हाई कोर्ट? हम लोग ये पढ़े हैं, ये कौन है, ये कौन लेडी है, इनका नाम क्या था? इनका नाम था विजया कमलेश ताहिल रमानी, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली एज पर नाइट फ्रैंक को लिविंग इंडेक्स? तो अभी हमने बात की, 5वां मुंबई और 11वां दिल्ली, 19वां बेंगलुरु, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 6th इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग हेल्ड? 6वीं भारतीय चाइना इकोनॉमिक डायलॉग कहां पर यह मीटिंग हुई? मुंबई, बीजिंग, न्यू दिल्ली, शंघाई, एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू बी रिकमेंडेड फॉर पद्म विभूषण? तो पद्म विभूषण के लिए सिफारिश की जाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है, यह आपसे पूछा गया है। वी हैव 4 ऑप्शन एंड राइट आंसर इज मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर 4, मैरी कॉम इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 82। मेगन स्कट हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू क्लेम 2 हैट्रिक इन इंटरनेशनल क्रिकेट इज फ्रॉम विच कंट्री? तो आपको यह भी पता है, मैंने पढ़ाया आपको एक्स्ट्रा लाइट में, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 83। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सावरकर इकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट? तो यह भी आपको पढ़ाया गया, इसका आंसर क्या है? विक्रम संपत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एड वॉज प्रोवाइडेड बाई इंडिया टू बहामास विच इज फेसिंग द हरिकेन डोरियन? तो इसका आंसर क्या होगा, यह भी हम लोग पढ़े, कोई नया क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए, एंड द आंसर इज $1 million, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 85। रिसेंटली डॉक्टर राल्फ ई गोंजाल्वेस अराइव्ड इंडिया फॉर अ विजिट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? एंड राइट आंसर इज सेंट विंसेंट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो सेंट विंसेंट इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे गाइस, और आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास इतना ही क्वेश्चन था जो हमने किया आज। गाइस देखिए, तो ये था हमारा सेशन, हमारा सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है? तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मतलब कि ये मुझे संडे करा देना चाहिए, एग्जैक्टली मैं क्या, देखिए शनिवार और रविवार तक के न्यूज हम कवर करते हैं अपने एमसीक्यूज में, आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलते हैं, वो नए क्वेश्चन एग्जैक्टली में नहीं होते हैं, वो शनिवार और रविवार में होते हैं, तो हम कवर अपने एमसीक्यू में करते हैं, और ट्यूसडे को भी हम कोशिश करते हैं कि पुरानी न्यूज हम कवर कर लें, ठीक है? तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि सैटरडे संडे आप जम के मस्ती करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, और चीजें भूल जाते हैं, मंडे को फिर आपके ऊपर हथौड़ा पड़ना चाहिए ताकि आपका दिमाग खुले कि अरे वीक हमारा स्टार्ट हो चुका है,
तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि मैं आपको मैक्सिमम नए क्वेश्चन दूं, और मेरे मंडे वाले सेशन में मैक्सिमम आपको नए क्वेश्चन ही मिलते हैं। मतलब आपके लिए उसका पुराने हो बट मेरे लिए नए होते हैं, बिकॉज मैं काफी सर्च करके इसे बनाता हूं। ठीक, अभी हम लोग 10 o'clock पर करने वाले हैं स्टैटिक अवेयरनेस। ये सेशन जरूर करिए, हर एग्जाम के बच्चे के लिए काफी जरूरी है, चाहे रेलवे, SSC, बैंकिंग, UPSC, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, इवन स्टेट लेवल। तो 10 PM पे भी हम मिलेंगे आपसे और बातें करेंगे, ठीक है। तो गाइज, ये वीकली रिवीजन का महत्व समझिए, ये महत्व क्यों है आपके लिए। आपने जो भी पढ़ा है वो कितना आपको याद है ये देखना, और साथ ही साथ ये भी चेक करना कि क्या कुछ नया तो नहीं मिल रहा है हमें, क्या हमसे ये चीज स्किप थी या वो चीज स्किप थी, ठीक है। तो इसलिए जरूरी होता है। तो गाइज, अगर हम बात करते हैं तो मैंने अपने दोनों कोर्सेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। आपका एग्जाम बहुत पास आ चुका है, आप एग्जाम के लिए मेरा ये कोड डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और, जो बच्चे SSC रेलवे के हैं, मेरा करंट अफेयर्स का सेक्शन आपके लिए भी है, लेकिन मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन दे दूं कि वो इंग्लिश में, कंटेंट इंग्लिश में, ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन ये भी आप कर सकते हो कि अगर आप ऑलरेडी SSC रेलवे का ज्वाइन किए हो, आप एक काम करिए, आप बैंक वाला ऑप्शन लेके दोबारा से एडमिशन ले सकते हैं, आप मंथली वाला पेमेंट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी मेरे पास आई, इसलिए मैं बता रहा हूं कि सर मैंने SSC रेलवे ज्वाइन किया है तो आपका CA वाला सेशन कैसे मिलेगा। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपने ऑलरेडी फीस पे कर रखी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 1 month वाला ले लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, आपको मेरे, लेकिन आपको गोल में बैंक चूज करना पड़ेगा, वो बैंक के एग्जाम में ही वो कोर्स मिलेगा, लेकिन है करंट अफेयर सबको मिलेगा, ठीक है। तो गाइज, AM लाइव कोड भूलना ही नहीं है आपको, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग, आप लोग आते हैं। IBPS PO के लिए देखिए 7th month अर्लियर कर दिए बेटा, ठीक है, 7 महीने पहले कर दीजिए, नए क्वेश्चन देना ही तो मेरा मकसद है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और हाँ, मैंने जो आपसे बताया रेलवे SSC वाले बच्चों की जो क्वेरी थी, अगर आपकी भी वही सेम क्वेरी है, तो मेरा ये जो करंट अफेयर्स वाला सेशन है वो केवल बैंक वाले फॉर्मेट में मिलेगा आपको। तो आप ये कर सकते हैं, अलग से आपको बैंक में आना पड़ेगा, आप दोबारा 4-5 हजार फीस मत पे करिए, आप 1 month वाला लेकर आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।